तो दोस्तों तो कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस रेडी स्टडी गो। तो मैं धैर्यवंत सर आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज देखिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफी ही बेसिक सी बात के लिए होने वाला है, जो आप लोगों को इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई नहीं बताएगा। इन आपकी जनरल क्लासेस में, स्कूल्स में कभी कोई नहीं बताता है। क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाते हैं और हम लोग फंस जाते हैं कि अरे यार ये यहाँ पर कैसे चेंजेस लाने हैं। तो उन्हीं से आप लोगों को अगर बचना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने एक ऐसी बेसिक सी यूनिट कन्वर्जन के बारे में बता रखा जो आपको आपके हर एक क्लास में, हर एक चैप्टर में बहुत यूजफुल होने वाली है कि किलोमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर हेक्टोमीटर, डेकामीटर डेसीलीटर, किसी में भी कन्वर्ट करना हो ये इस क्लिक के साथ आप लोग कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको, वीडियो आपको इससे पहले वाली आपको मिल जाएगी, जाकर अपने मेरे चैनल पर जाके देखो। और आपको शॉर्टली मेरा क्या, आप लोगों का चैनल है, जाकर देखो और आप लोग को वीडियो मुझे बताओ कि कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। तो देखो आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, जीरोस के बारे में बात करने वाले हैं। अब जीरो है क्या, हमको पता है जीरो इज दिस, हमारी नजर में जीरो सिर्फ ये है अंडा, ठीक है जीरो, बट इसकी बहुत वैल्यू है। मतलब ये लगा लो आप, अगर डिजिट के आगे लगा हुआ है तो भी बहुत वैल्यू पड़ती है, डिजिट के बाद लगा हुआ है तो भी बहुत वैल्यू पड़ती है। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल आया होगा कि जी पहले तो कोई वैल्यू नहीं पड़ती 0001, पर अगर 0.0001 है तो बहुत वैल्यू है। दैट मींस अगर डेसिमल के बाद जीरो आगे लगे हुए हैं किसी डिजिट के तो दे आर वैल्यूएबल, और अगर डेसिमल से पहले जीरो बाद में लगे हुए हैं तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर अगर डेसिमल से पहले किसी डिजिट से पहले लगे हुए हैं तो हम उनको भाव नहीं देते, और ऐसी डेसिमल के बाद किसी डिजिट के बाद लगे हुए हैं तो हम उनको भाव नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, अगर मैं आपको लिख के दू 4.4000, ये तीन जीरो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर आएगा 4.4, ठीक है। कहीं भी ये लिखोगे एक ही बात है, पर ये है बच्चों वाली बात, ये है समझदारी वाली बात, ठीक है। तो यही असल चीज है, ये तो ये है असल चीज, ठीक है। सेम और फॉर्म देखते हैं, अगर कितने भी जीरो, मान लो अगर पर मैं ये लिख दू 4.4001, तो अब मुझे पूरा लिखना पड़ेगा आई कांट डू एनीथिंग इन दिस, दैट इज फॉर श्योर, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मुझे इसको ऐसे का ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर नीड है। तो हम लोग इस बात से क्या समझे कि अगर डेसिमल के बाद जीरोज हैं उनको लिखने की नीड नहीं है, वैसे ही जैसे डिनोमिनेटर में वन लिखने की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर 4/1 है तो मैं उसको सिर्फ 4 भी लिख सकता हूं, ऐसे ही अगर 4.0 है तो उसको मैं सिर्फ 4 भी लिख सकता हूं, ये चीज क्लैरिफाइड है। पहली मेरा पहली बात यहां पर खत्म होती है, ठीक है। ये हमारा डेसिमल का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा और क्या बात होती है, अगर हम ऐड करते हैं डेसिमल्स वाले केस में कैसे, यानी कि 4.4 और मैं कहूं 77 को और मुझे ऐड करना, तो मैंने बहुत बार देखा कि बच्चे कैसे ऐड करते हैं 77 और ऐसे 4.4 लिखेंगे और ऐड कर देंगे। अरे भाई क्या तरीका, तो देखो तरीके से काम करा करो, ये कोई तरीका नहीं, कहीं भी कुछ भी लिख दो ना। क्या करते हैं, जब भी कहीं पर ऐसे उसने ऐड करने को बोल रखा है अगर, तो देखो कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगना चाहिए। क्या बात, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगना चाहिए। क्या मतलब हुआ मेरी बात का, 77 और 4.4 मतलब यहाँ पर डेसिमल लगा के जीरो लगाओ और पॉइंट लगा के फिर 4 लगाओ, डेसिमल के नीचे डेसिमल और एक और फिर से उसके नीचे डेसिमल, 4 का 4 उतरा, 7 और 4 11 हो गए और ये 8 हो गए, ये मेरा आंसर बैठना चाहिए, ठीक है, ये मेरा आंसर बैठेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आती है। एक चीज और मैं आप लोगों को इसमें बता जाता हूँ, ये बेसिक सी बात बताऊंगा इस पूरी वीडियो में, जितने भी अगर मान लो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ 4.4 और 6.4 की, तो जो भी मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आएगा, जो आंसर होगा उस आंसर में हम कितने डेसिमल लगाएंगे, ये चीज बहुत सी बार कंफ्यूज करते हैं कि मेरा डेसिमल कहां लगाना चाहिए। सॉरी, ये चीज बहुत बार कंफ्यूज करती है कि मेरे को डेसिमल कहां पर लगाना चाहिए, तो डेसिमल कहां लगेगा मेरी बात का, बच्चों बहुत गौर से ध्यान रखना। अगर हम 4.4 की मल्टीप्लाई 6.44 में कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं जो भी आंसर आया है 1, 2, 3 हमको दिख रहा है क्या है, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं 1, 2, 3, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, सीधी सी बात है। मेरी बात किसी को समझ में आ रही है, जो भी आंसर आएगा 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये टॉपिक तो जीरोस का है और पता नहीं ये कौन कौन सी बातें अलग अलग लेकर आ रहे हैं सर, कोई बात अलग नहीं लेके आ रहे, टॉपिक जीरोस का है, वो भी समझा दो। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सा दूं कि 4.4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, अब इजी तो है,
अगर मान लो किसी भी बच्चे को इनके ये चीज क्लैरिफाई नहीं हो रही कि यार मैं कैसे करूं, डेसिमल कहां लगाऊं, कुछ नहीं करना होता, इस डेसिमल को हटाते हैं और हम जीरो लगाते हैं, आ गई जीरो वाली बात। जीरो कैसे लगाएंगे, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे, क्या बात मेरी समझ में आती है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होंगी अगर हम नीचे जीरो लगाएंगे, मतलब अगर डिजिट ऊपर है तो हम नीचे जीरो लगाएंगे, और इमेजिन डिजिट नीचे है तो हम ऊपर अपना जीरो लगा देंगे। मेरी किस किस को बात समझ में आती है, अगर डिजिट नीचे है तो हम जीरो लगाएंगे ऊपर, मतलब ऐसा कुछ लिखा है तो ये डिजिट हट के जीरो लग जाएगा ऊपर, और अगर ऐसा कुछ लिखा तो जीरो लग जाएगा नीचे। अगर यहाँ पर 4.44 तो दो जीरो लग जाते हैं, एक और फोर होता तो तीन जीरो लग जाते हैं, एक और फोर होता तो दो जीरो लग जाते हैं, सिंपल एज दैट। तो ये चीज हमें क्या होती है, बहुत हेल्प करती है किसमें, जब भी हमको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है डेसिमल केसेस में। अब अगर एक और बात लेते हैं भाई, बात जीरोस की, मान लो हमको किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है बच्चों जीरो से, क्या अगर हमको किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है इनकेस जीरो से, तो देखो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, पहले देखो डेसिमल कहां पे है, क्या पहले देखो डेसिमल कहां पर है, और अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो जीरोज से तो जितने भी जीरोज से आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो डेसिमल उतना राइट हैंड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या बात मेरी समझ में आई, जितना भी जीरोज से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल उतनी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, उतना खिसक जाएगा सीधे हाथ पे। मान लो 4.44 है, उसके आप 1000 से मल्टीप्लाई करी तो तीन बार डेसिमल को जंप लगवा दीजिए, वन फ्रॉक की तरह, दो। अब अच्छे से चलोगे कि भैया आगे तो कोई डिजिट नहीं तो कहां बनाओ, कोई नहीं खुदा दो, और जहां पे ये गैप बच गया वहां पर एक जीरो लगा दो, और यहां पर डेसिमल लग के एक और जीरो पर। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि डेसिमल के बाद जीरो लगाओ मत लगाओ, नो नीड, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4440। किस किस को मेरी बात समझ में आई, मतलब कि जितने भी जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा राइट हैंड साइड पर डेसिमल कूद जाएगा, उल्टी बात करो जितने भी जीरो से डिवाइड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल कूद जाएगा। फिर से सुन लो, जितने भी जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा डेसिमल राइट हैंड साइड कूदेगा, अगर कितने जीरो से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड कूदेगा, कितनी बार, जितने भी वो जीरो होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी होंगे। मेरी बात किस किस को समझ में आ गई, कमेंट सेक्शन में यस जरूर देना, ठीक है। ये मेरा एक और जीरो की नीड थी जो मेरे को बहुत अर्ज थी आप लोगों को बताने की, क्योंकि मैंने बहुत देखा है मेरे जो यहाँ पर कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बातें नहीं पता, उनको भी बतानी पड़ती है। तो आई होप कि आप लोग जहां भी पढ़ो वहां पर आप लोग इस लेवल पर तो हो कि भैया ये बेसिक चीजें आप लोगों को टीचर से पूछने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मेरी बात सब लोगों को समझ में आती है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये एरिया कन्वर्जन वॉल्यूम कन्वर्जन में जीरोस का क्या महत्व होता है, तो मैंने इससे पहले पिछली वाली वीडियो में यूनिट कन्वर्जन के ऊपर वीडियोस को बना रखी हैं, जाकर आप लोग चेक करें, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को, आप लोगों को बताइए, अगर मेरे को मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या मेरे को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 1/100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर रखा है। अब अगर मेरे को एरिया को कन्वर्ट करना है, मतलब एरिया हमको पता है स्क्वायर फॉर्म में होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर इसमें अगर मेरे को मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को पता है मेरे को 1 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 चाहिए और 2 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000, एक और 100 चाहिए। तो ये मेरा मतलब तो आप लोगों को बताने का कि अगर मेरे को मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कन्फर्म्ड है ये बात। और अगर किलोमीटर से करना है मतलब वही सेम चीज, 2 डबल बार करो, जितना पावर होगी उतनी बार कर दो। जैसे यहाँ पे क्यूब है, अगर मान लो मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय, हमको पता है मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, यानी कि जो भी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय 100, एक बार, एक और बार 100 और मल्टीप्लाई बाय एक और बार 100, 3 बार होगी, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, 100 चाहिए, पर क्योंकि ये 3 है तो यहां पर भी 3 मेरे को नीडेड होगा, ठीक है। बस यही इसमें छोटी सी बात थी जो मेरे को आप लोगों तक पहुंचानी थी, बेसिक सी बात है, ठीक है। अगली वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट सरफेस एरियाज वॉल्यूम्स के फॉर्मूलेस के साथ, समझाता हुआ कि भैया ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे डिराइव हुआ है, ठीक है। एक लास्ट आप चीज देख लीजिए, अगर हमको मीटर क्यूब लीटर सेंटीमीटर क्यूब, देखो हमको पता है जो हमारी बॉटल्स आती है उनकी वॉल्यूम लीटर में होती है, तो अगर बुरा ना भटका कोई बच्चा आपसे पूछने लगे या फिर कोई आपका एल्डर आपसे पूछने लगे, टीचर आपसे पूछने लगे कि भैया लीटर में तो है, मेरे को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो कैसे करूं, कुछ नहीं चलना, सबसे बड़ी यूनिट है उससे छोटी उससे छोटी, इससे इसमें जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, इससे इसमें जाना है तो फिर से मल्टीप्लाई बाय 1000, उल्टा इससे इसमें आना है तो डिवाइड बाय
थाउजेंड और फिर इससे इसमें आना है तो डिवाइड बाय थाउजेंड। देख लो जीरो जीरो, सब बहुत जीरो की नीड है भाई, हर जगह जीरो की नीड है। हमको लगता है कि जीरो का करना क्या होता है, सब कुछ जीरो के साथ ही है आज के टाइम में, ठीक है ना। अगर कोई बंदा 100 रुपए कमा रहा है उसकी इतनी वैल्यू नहीं, अगर पर उसके आगे आप 4-5 जीरो और लगा दो तो उसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। समझ में आई मेरी बात बच्चों? ठीक है, तो यही आज की वीडियो का मेरा मोटिव था जीरोस के बारे में आपको समझाने के लिए कि जीरोस का हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे नीड होता है। आप लोगों को आई होप ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करके कमेंट करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप लोगों के पास ऐसे डेली अपडेट्स आते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।